दोस्तों गर्मियों के मौसम में आम, तरबूज और खरबूज को पानी में क्यों भिगोकर रखा जाता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है आम में फाइटिक एसिड नाम का एक नेचुरल मॉलिक्यूल पाया जाता है। ये मॉलिक्यूल कई नट्स में भी मौजूद होते हैं। अगर आम को कम से कम आधे घंटे पानी में भिगोया जाए तो इसमें से अतिरिक्त फाइटिक एसिड निकल जाता है, क्योंकि आम में बहुत गर्मी होती है और भिगोने से उसमें अधिक टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है, जिससे आम विषयुक्त हो जाता है। यही कारण है कि तरबूज और खरबूज को भी भिगोकर ही खाया जाता है। इनको भिगोने के बाद तुरंत काट कर खा सकते हैं या फ्रिज में रखने के बाद खा सकते हैं। इसके साथ ही फलों को भिगोने का एक फायदा यह भी है कि जब इन्हें उगाया जाता है तो पौधे की ग्रोथ और कीड़ों से बचाने के लिए खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कीटनाशकों का संपर्क जब इंसानी शरीर से होता है तो कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि श्वास, त्वचा और आंखों की एलर्जी की समस्या। इसलिए पानी से फलों के धोने की अपेक्षा भिगोना अच्छा माना जाता है। इससे कीटनाशकों और खादों का असर कम हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।